बिग बॉस सीजन 16 के फिनाले में महज कुछ ही घंटे बाकी है। ऐसे में हमारी जनता जनार्दन जो है जानना चाहती है कि आखिर इस सीजन के विनर का ताज वो किसके सर सजेगा। वहीं कल के एपिसोड में कुछ ऐसा हो गया जिसे लेकर शालीन भनोट के फैंस, वो शिव ठाकरे और उनके फैंस का जमकर मजाक उड़ा रहा है। आखिर कल के एपिसोड में हुआ क्या जिसके वजह से मजाक उड़ाए जा रहे हैं, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल लेटेस्ट एपिसोड में रोहित शेट्टी ने घर के अंदर आकर टॉप 5 कंटेस्टेंट से कुछ स्टंट करवाए, जिसमें जीतने वाले को शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 का टिकट मिलने वाला था। ऐसे में शालीन भनोट ने सारे टास्क को अच्छे से प्रदर्शन करते हुए मुकाबले को जीत लिया, जिसके बाद रोहित शेट्टी ने उन्हें खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में आने का टिकट दिया। लेकिन शालीन भनोट ने फिल्म निर्माता के मुंह पर ही इस ऑफर को ठुकरा दिया, जिसके बाद ये ऑफर शिव ठाकरे की झोली में गिरता हुआ नजर आया। ये सब देखकर शालीन भनोट के फैंस शिव ठाकरे और उनके फैंस का मजाक उड़ा रहे हैं कि जो शालीन भनोट को सीजन खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 का जो टिकट मिला था उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इसके बाद जो है वो शिव ठाकरे के झोली में आकर गिरता है। गौरतलब है कि इस एपिसोड को देखने के बाद कई सारे यूजर्स जो है ट्विटर पर ट्वीट करते नजर आ रहे हैं और शिव ठाकरे की मजाक भी उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या क्या ट्वीट्स हैं वो भी आपको बताते हैं। एक यूजर ने लिखा था कि मंडली को वैसे भी सब खैरात में ही मिला है, निमृत को कैप्टनसी, शिव को खतरों के खिलाड़ी, जबकि शालीन जीता था बट उसने रिजेक्ट कर दिया। वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि कॉमन मैन इज डिसअपॉइंटेड दैट हाउ कुड किंग शालीन रिजेक्ट अ डायरेक्टर ऑन फेस। तो भाई तुमने क्या सोचा था, तुम्हारी तरह सर सर करके नीचे गिर जाएगा, रिजेक्टिंग शालीन फॉर नो रीजन, और आगे आग का इमोजी भी शेयर किया। वहीं एक और यूजर लिखते हैं जिसने कहा था शिव को खतरों के खिलाड़ी मिला, हा 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 का इमोजी भी है और पोपट हो गया तुम लोग का, एक्चुअली शालीन को मिला था, उसने रिजेक्ट कर दिया तब जाकर वो शिव ठाकरे को मिला, और आगे हंसने वाली इमोजी भी है। एक और यूजर लिखते हैं शालीन को सेलेक्ट किया गया था, उसने रिजेक्ट किया तो ठाकरे को मिल गया, हा हा हा, और रोने वाली इमोजी है। गौरतलब है कि पिछला वाला एपिसोड देखकर जो है शालीन भनोट के फैंस वो शिव ठाकरे और उनके फैंस का जमकर मजाक उड़ा रहे। वैसे आपको इस खबर में मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि आखिर इस सीजन का विनर कौन बनेगा। दरअसल सूत्रों के मुताबिक एक खबर सामने आई है और साथ ही एक फोटो भी सामने आया है जिसमें स्टेज पर सलमान खान के दोनों साइड, एक साइड प्रियंका चाहर और एक साइड शिव ठाकरे खड़े हैं, लेकिन सलमान खान के हाथों में जो हाथ है जो ऊपर लहराता हुआ नजर आ रहा है वो प्रियंका चाहर का है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो प्रियंका चाहर ही इस सीजन की विनर बनेंगी। पर आपके इस पर क्या राय है कि कौन विनर हो सकता है, वो शिव ठाकरे हैं या फिर प्रियंका चाहर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और एंटरटेनमेंट की ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें जेबीटी लाइव के साथ। नमस्कार।